नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। तो लोकतंत्र के महापर्व का आज अंतिम और आखिरी चरण है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजने के साथ ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको सबसे पहले बता देते हैं किस राज्य की कितनी सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, बिहार की 8, चंडीगढ़ की 8, हिमाचल की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 9। तो ये 8 राज्य जिनकी 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजने के साथ ही मतदान शुरू हो चला है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की सभी 13 सीटें, बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1 सीट, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। तो ये वो 8 राज्य जिनकी 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि आज का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि ये इस लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम का आखिरी रण है। आपको बता दें कि 7 चरणों में चुनाव संपन्न होना था, 6 चरणों के लिए पहले ही वोटिंग संपन्न हो चुकी है। आज बारी अंतिम और आखिरी 7वें चरण की है। ऐसे में हलचल पूरी तरह से तेज है क्योंकि आज के इस रण के साथ ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा। आज यानी 1 जून को आखिरी चरण जिसके लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ आज वोटिंग के साथ ही ये लोकसभा चुनाव का अंत हो जाएगा और फिर बारी सिर्फ और सिर्फ परिणाम यानी नतीजों की होगी। तो लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम का आज अंतिम और आखिरी दिन, आज राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजने के साथ ही वोटिंग शुरू हो चली है। आपको बता दें कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां आज वोटिंग हो रही है और इन राज्यों में कौन कौन सी कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें यूपी में, यूपी की 13 सीटें, पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है, बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1 सीट, हिमाचल की सभी 4 सीटें, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई दिग्गजों के साथ दांव पर है क्योंकि अंतिम और आखिरी चरण है और यूपी की जिन 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें वाराणसी सीट भी शामिल है। आपको बता दें कि वाराणसी वही सीट है जहां से पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये अंतिम और आखिरी चरण और इसका रण जो है काफी ज्यादा रोचक यहां पर होता हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की मिर्जापुर सीट भी शामिल है और हिमाचल प्रदेश की मंडी की सीट भी शामिल है जहां से अभिनेत्री कंगना रनौत चुनावी रण में है। साथ ही डायमंड हार्बर की चर्चित सीट जिससे अभिषेक बैनर्जी चुनावी रण में है। तो कई दिग्गजों की साख दांव पर कई महत्वपूर्ण सीटें इसमें। तो ग्राउंड पर क्या हलचल है ये जानने के लिए सीधे अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। कमलेश मणि त्रिपाठी हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं, सीधे कमलेश का रुख करेंगे। कमलेश, क्योंकि सुबह 7 बजने के साथ ही वोटिंग शुरू हो गई है, यूपी की बात करें तो 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है, मिर्जापुर में कैसी हलचल देख पा रहे हैं और किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है आप? देखिए, मिर्जापुर से हम पूरी बूथ पर हम यहाँ मौजूद है। आज बता दें कि 7 बजे छुटे हैं, 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले मतदाताओं में रुझान देखने को मिला है, ये लोग 6 से 6:30 के बीच में आना शुरू हो गया, अपनी लाइन लगाते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 7 बजे उन्हें वोटिंग देना शुरू कर दिया, ये भी बता दें कि यहाँ के वर्तमान सांसद अनुप्रिया पटेल है इसी बूथ पर, वो भी आकर अपना मतदान 7 से 7:30 के बीच में उनका समय है, वो आज यहाँ पे मतदान देंगे। और वही बात करें कि यहाँ के लोगों का उनसे अभी चर्चा करेंगे, वो लोग 3 मुद्दों को मतदान किया है, 3 मुद्दों को मतदान करने वाले हैं। हम इसमें जहाँ मौजूद है मिर्जापुर में 19 लाख मतदान है, यहाँ पे मतदाताओं का यहाँ पे 19 लाख लोगों ने मतदान शुरू करेंगे अपना देना। आप बताए 1352 सेंटर यहाँ बनाए गए हैं, 10,000 से अधिक
कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगा दी गई मतदान कराने के लिए। शाम से 6 बजे तक मतदान होना है, शाम से 6 बजे के बाद मतदान किया जाएगा। वही ये आंकड़े जो है इनका जो नतीजा निकलेगा वो 4 तारीख को निकलेगा। अब यहाँ पर 3-3 प्रत्याशी मैदान निकले, तीनों के गाँव पे लगी हुई है। आप बता दें की अनुप्रिया पटेल, मनीष त्रिपाठी और रमेश बिंद, यहाँ पर 3 प्रत्याशी होते हैं, तीनों के गाँव पे लगे हैं। तीनों लोग को वोटिंग अपने अपने जरिए से कराएंगे और यहाँ की जनता जो 19 लाख लोग आकर हर अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान करेंगे। वही बात करें कि जो नतीजे निकले हैं वो लोग प्रत्याशी लोग अपने जो है बारी से इंतजार करेंगे। सीटें घर पर ढोल मजीदा बजेगा। अब देखना ये कितने मतदान यहाँ पर मिर्जापुर में शाम तक होती है और कितनी जगह पे बहिष्कार होती है। वही बता दें 2343 बिल्कुल कमलेश, 7:10 यहाँ पर हो गए हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए पोलिंग बूथ की कि कैसी हलचल वहाँ देखने को मिल रही है, लोगों में मतदान को लेकर कितना जोश और उत्साह। देखिए मतदान को यहाँ पर देखिए जिस तरह से अभी तो शुरुआत हो चुकी है, 7 बज गया है, 7 बज चुके हैं और 7 बजने के दौरान अभी थोड़ा सा हम थोड़ी सी दूर से गए हैं, वहाँ जो लाइन लगाई है वो हम दिखाएंगे किस तरह से लाइन लगा कर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग जो है कि मतदान दे भी चुके हैं। हम कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे जाए और उस लाइन के पास पहुँचे, थोड़ी सी वहाँ दिखाए। ठीक है, आप बने रहिएगा कमलेश, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ अवनीश जुड़ चुके हैं गोरखपुर से, एक बार सीधे अवनीश का रुख कर लेते हैं। अवनीश, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और क्योंकि 10 मिनट का समय यहां पर लगभग गुजर चुका है वोटिंग शुरू हुए, कैसी हलचल देख पा रहे हैं? सीएम सिटी है और सीएम सिटी गोरखनाथ पे झूलेलाल है, झूलेलाल इंटर कॉलेज है जहाँ पे मुख्यमंत्री 7 बजे मतदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने जो है मतदान की करने के बाद जो है लोगों से सीधे अपील की है कि पहले मतदान फिर जलपान, और उसके बाद इस नारे से जो है उन्होंने जो है वहां जयकारा भी लगाया गया। जी बिल्कुल अवनीश, जिस तरह से बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने, क्योंकि 5 साल में एक बार ये मौका आता है कि जो जनता है अपनी सरकार चुने। आपके आसपास अगर लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करिएगा और जानिए कि सुबह सुबह वोट करने पहुंचे हैं क्या संदेश बाकियों को देना चाहेंगे और अब की बार क्या मुद्दे गोरखपुर के। जी गोरखपुर में जो है मोदी का जो लहर है अभी भी जारी है, यहाँ के जो प्रत्याशी है भावी प्रत्याशी लोगों में काफी रोष देखने को मिला, लेकिन वही जो मोदी का जादू है वो लोगों के सर अभी चढ़ करके बोल रहा है। तो अब मैं सुबह ही देखा हूँ कि चाय के दुकान पे चाय वाले का प्रचार शुरू था। बिल्कुल अवनीश, अगर आसपास लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की अगर मुमकिन हो पाए कोशिश करिए, जानिए कि मुद्दे क्या कुछ है। आप मतदान करने हैं, पहली बार आया है कि कभी और आवाज किस मुद्दे पे आप जो है चुनाव मतदान किसको वोट डाले? बीजेपी क्या लगता है करेंगे तो करें, बीजेपी आएगी तो महंगाई बढ़ जाए, कैसे आप काम नहीं करेंगे तो महंगाई आएगी भाई, देश पर लोग पड़ेगा जनसंख्या का भाई खर्चना पड़ेगा महंगाई। क्या लोग पाते हैं डीजल पेट्रोल आता है भाई, अपने यहाँ डीजल पेट्रोल पंप पैदा होता है तो इसलिए दाम कुछ का बढ़ना जो बात है, अन्य चीजों पे भी जो है रेट बढ़ रहा है। लगता है कि इस बार सरकार बनेगी, जैसा कि आपने देखा इन्होंने कहा कि सरकारें आती हैं डीजल पेट्रोल के रेट निरंतर अपने वहाँ नहीं बढ़ तो बढ़ते रहते हैं, अन्य में इजाफा होता है और इस बार फिर 400 की बात यहाँ के लोग कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से मोदी मैजिक जो है लोगों के सर चढ़ करके बोल रहा है। जी ठीक है, आऊंगी आपके पास अवनीश, एक बार फिर से हम कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश, आपके आसपास अगर लोग मौजूद है, क्योंकि आप एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, मैं देख सकती हूँ 10 मिनट के लगभग का समय बीता है और आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है काफी संख्या में लोगों की लाइन वहां पर दिख रही है, अगर पॉसिबल हो पाए लोगों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत करिए, जानिए क्या कुछ जो है मिर्जापुर के मुद्दे हैं। जी यहाँ पर जिस तरह से लाइन दिख पा रहे हैं कि सुबह जो है कि 7:12 हो चुके हैं, जिस तरह से लाइन लगाए हैं और ये कुछ लोग मौजूद हैं कि क्या ना चाहते हैं आप किन मुद्दों पर मतदान कर लेगा बेरोजगारी से और क्या कहना चाहेंगे आप? आज
2024 के महासंग्राम का ये अंतिम और आखिरी चरण, 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजने के साथ से ही वोटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि यूपी की 13 सीटें इसमें शामिल है, काफी महत्वपूर्ण ये 13 ही सीटें, और हर सीट पर अलग अलग तरह से समीकरण इसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये वो 13 सीटें जिनमें आज वोटिंग हो रही है। अगर बात करें यूपी की तो इसमें कई सारी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जैसे वाराणसी की सीट जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी रण में हैं। सबसे पहले 2014 में पीएम मोदी ने वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा था जिसमें वो 4 लाख के करीब मतों से जीते थे। वहीं 2019 में जब फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा तो पूरे दमखम के साथ 4 लाख से ज्यादा वोटों से पीएम मोदी यहां से विजयी हुए थे और संसद पहुंचे थे। वहीं तीसरी बार एक बार फिर से पीएम मोदी वाराणसी सीट से ही दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि यहाँ की जो जनता है सिर्फ वो एक सांसद नहीं बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे को चुनती है। कमलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मिर्जापुर से, कमलेश का सीधे रुख कर लेते हैं। कमलेश, जिस तरह से आप मिर्जापुर में मौजूद हैं, अगर मिर्जापुर के रण की बात करूं काफी रोचक क्योंकि यहां से केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनावी रण में है, इससे पहले मौजूदा सांसद भी वही है, और ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे मिर्जापुर में कैसे समीकरण बनते हुए आप देख पा रहे हैं। शायद हमारा संपर्क कमलेश टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अवनीश का सीधे रुख कर लेते हैं। अवनीश, जिस तरह से गोरखपुर की बात करें, हमने देखा बीते दिनों पूरे दमखम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे, रवि किशन के लिए रोड शो भी किया, और गोरखपुर सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि यहां पर रवि किशन की साख तो दांव पर है ही, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी क्योंकि उनका राजनीतिक का उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की गोरखपुर से शुरुआत की है, और ऐसे में उन्होंने जमकर वहां प्रचार प्रसार भी किया रवि किशन के लिए। जी, सुबह से ही जो है मतदान के बाद मुख्यमंत्री महोदय जो है लोगों से अपील करते नजर भी आए। उन्होंने कहा पहले मतदान फिर जलपान, रवि किशन के पक्ष में उन्होंने लोगों से वोट भी मांगे। बूथ संख्या 223 में मुख्यमंत्री महोदय ने मतदान किया है। वहीं अगर हम बात करें तो पिछले दिन मतदान और आज के मतदान में काफी अंतर भी है। पिछले गर्मी का ताता बढ़ा हुआ था और जो है मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ कम दिख रही थी, इसीलिए उसको इन व्यवस्थाओं को देखते हुए इस बार जो है मतदान स्थलों पे पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं, टेंट लगाए गए हैं और तमाम तरीके के व्यवस्थाएं किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी लगाया गया है ताकि लोग जो है अच्छे तरीके से मतदान करें और कोई समस्याएं हों तो उसका निरंतर उपचार भी। बिल्कुल, आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि हमने इससे पहले देखा अवनीश, जिस तरह से बाकी के जो चरण जो थे उत्तर प्रदेश में, वहां मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। देश भर की बात करूं तो सबसे कम मतदान प्रतिशत यूपी का ही रहा। ऐसे में अब की बार जनता को घरों से बाहर निकालने के लिए और जनता को प्रेरित करने के लिए कि आइए घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए, इसके लिए किस तरह से तैयारियां, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ तैयारियां। जी, बात करते हैं अगर सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्थाएं चार चौबस है। शांति तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं, एक एक करके लोग आ रहे हैं मतदान स्थलों पे मतदान करके जा रहे हैं। लोगों के चेहरे भी खिले उठे हैं क्योंकि मोदी मैजिक जो है लोगों के सर पर चढ़ करके बोल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो आज जो है हवा का भी रुख ठीक ठाक है, इसलिए मतदान स्थलों पे लोगों के भी ठीक ठाक दिख रही है। सुबह से ही लोग मतदान कर रहे हैं, अपने मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, यानी मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला, और यही चीज हमने पिछले मतदान की तारीखों पर भी देखी कि अगर मौसम ठीक ठाक था तो जनता जो है घरों से बाहर निकली। आऊंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। एक बार अवनीश का रुख कर लेते हैं। अवनीश, आपके आसपास काफी भीड़ दिख रही है, जाइए जनता के बीच, जाइए, पहुंचिए और बातचीत करिए, मिर्जापुर के जो है मुद्दे पूछिए उनसे, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या सोचकर अब की बार मतदान करेंगे। एक दादाजी भी हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से क्या जो है क्या मुद्दे हैं वोट देने। दादा, क्या नाम है आपका? विनय पांडे। अच्छा, आज वोट डालने के लिए आए, क्या मुद्दे आपके हैं? अच्छा, नहीं नहीं, कैसा लग रहा है आज आपको? ठीक है, अच्छा लग रहा है। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मुद्दे आपके? ठीक, विकास विकास और विकास हमारा ऑफिस। क्या नाम है आपका? वैभव पांडे, योगी आलोकनाथ।
आज मतदान देने के लिए आए हैं और कैसा लग रहा है क्या आपके लिए? जी हम तो योगी हैं, धर्म के लिए हैं। राम मंदिर बना है उससे हमको बहुत प्रसन्नता हुई है, राम मंदिर से काफी वोट मिल रहा है मोदी जी को और मोदी जी चार सौ पार आज हो जाएगा। और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, एक आज लोग से और पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी बताए कि आज वोट देने के लिए कैसा लग रहा है, वो आपकी मुद्दे क्या है? लग रहे हैं जिसको सही भी है सब कुछ। जैसा कि अभी हमने पूछा लोगों से, ये सब लोग के कहना है कि हम लोग अपने मुद्दे जो बेरोजगारी है आज क्या लग रहा है आज उस पर मुद्दे पर वोट करते हैं कि हमारा विकास हो सके हमारे साथ। कमलेश जिस तरह से मिर्जापुर की बात करें काफी अच्छी तस्वीरें यहां से सामने आ रही है, क्योंकि सुबह अभी 7:20 यानी 20 मिनट का ही समय जो है यहां पर गुजरा है और लंबी लंबी कतार यहां पर मतदाताओं की देखने को मिल रही है, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मतदाताओं में काफी उत्साह इस लोकसभा चुनाव को लेकर। वही देखिए बात करें कि अभी 7:20 हो चुके हैं, अभी यहाँ की वर्तमान सांसद अनुप्रिया पटेल है वो भी अभी इसी बूथ पर आई है और बूथ के अंदर गई मतदान देने के लिए और उनके साथ में भी और यहाँ का महिलाओं भी खड़ी है, उनके अंदर भी भारी उत्साह देख रहे हो। तस्वीरें देख सकते हैं कमलेश किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम है, एक बार ये भी बताइए। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह कितना बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और फोर्स भी बढ़िया बाहर तरफ से लगा दी गई। वही बात करें तुम्हारी अभी इस समय देख सकते हैं हमारे पीछे कितना बढ़िया जो की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, एक तरफ जो है कि महिलाओं की लाइन, एक तरफ पुरुषों की लाइन लगा दी गई है। और वही बात करें कि यहाँ पर अभी सांसद अनुप्रिया पटेल जो वर्तमान वो अंदर बूथ के अंदर गई है, वो वोट देकर मतदान देकर अभी बाहर आएंगे और लोग यहाँ के जो जितने लोग बिल्कुल यानी जो मौजूदा सांसद है अनुप्रिया पटेल वो अभी अपने अपना मतदान करने के लिए पहुंची है और कुछ ही देर में बाहर आएंगी। बस ये थोड़ी ही देर में बाहर आएंगे और लोगों से अपील करेंगे, मतलब इस तरह से अपना भी जो है कि मतदान की है और उनसे आएंगे तो हम एक बार उनसे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल यानी कोशिश यही कि सबको इसी चीज के लिए प्रेरित किया जा सके कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकले और अपने मत अधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कमलेश, जिस तरह से मिर्जापुर में टफ फाइट देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ यहां से जो मौजूदा सांसद है अनुप्रिया पटेल, दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी, क्या माना जाए, क्या बता रहा है मिर्जापुर का रण? देखिए मिर्जापुर की अगर बात करें तो यहां पर तीन तीन प्रत्याशी मैदान में है, हालांकि अभी जो जितने प्रत्याशी अभी लोग यहाँ पर अभी आ रहे शुरू होने वाले हैं और यहाँ मतदाताओं की लाइन लगी हुई है, मतदाताओं से अभी जानने की कोशिश किए थे, उन्होंने कहा है कि हम इस समय जो कि बीजेपी को वोट देंगे, हमारी जो है जो हमारे मुद्दे हैं बीजेपी को वोट। अभी एक भाई साहब ने बात किया, उन्होंने कहा राम मंदिर बन गया है इसलिए हम इस मुद्दे पर वोट देंगे। अभी एक लोग और हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी महंगाई पर हम वोट देंगे, यहाँ पर अपने हमारी मुद्दे यही है। अब बाहर सांसद अनुप्रिया पटेल आए थे, उनसे भी हम पूछेंगे किस तरह से उन्होंने मतदान किया है, उनके भी क्या मुद्दे। लेकिन जिस तरह से राजा भैया की अभी हाल ही में एंट्री होती है और वो समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देते हैं, क्या लग रहा है उससे कितनी अनुप्रिया पटेल के लिए मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई? देखिए अभी मुश्किल अनुप्रिया पटेल के लिए अभी नहीं बने, क्योंकि राजा भैया की जो है यहाँ पर अभी सिर्फ नाम ही चल रहा है, यहाँ पर अभी राजा भैया अभी मिर्जापुर में आए नहीं है और आने के बाद हो सकती है कि इनकी कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है। यानी मिर्जापुर का जो रण है वो काफी रोचक होता हुआ सकती है कि अभी सांसद अनुप्रिया पटेल जो है कि अभी आई हैं और वहाँ इतनी भीड़ हो गई है कि बाइकें देने के लिए भी अभी चल दिया। हम भी अभी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उनके लिए क्या मुद्दे हैं और किस तरह से उन्होंने भी मतदान दी है। ठीक है, आऊंगी आपके पास, आप कोशिश करिएगा अगर आपको मौका मिले अनुप्रिया पटेल से बातचीत करने का। वहीं सुशील का सीधे रुख कर लेते हैं, सुशील हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ गए हैं। सुशील आप सबसे पहले बताइए किस मतदान केंद्र में, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और कैसी हलचल देख पा रहे हो, क्योंकि लगभग मतदान शुरू हुए आधे घंटे का समय यहाँ पर बीत चुका है। रिया गाजीपुर जिले के जंगीपुर विधानसभा का एक क्षेत्र है और सुबह से ही यहाँ पे युवाओं में एक भारी जोश है और मैं कहूँ रिया जो पहली बार लोग मतदान करने के लिए आए हैं काफी जोश खरोश के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। इसके साथ ही सुबह से ही हम देखे तो महिलाओं की एक लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है, महिलाएं वोटिंग करके यहाँ पे घर जा रही हैं और इसके साथ ही विकास के मुद्दे पे लोग बात कर रहे हैं। इसके साथ ही कड़ा मुकाबला है रिया यहाँ पे, मैं बताऊँ कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल हैं
इसके साथ ही बीजेपी से भी पारसनाथ राय, तो एक मैं कहूँ जोरदार मुकाबला है। और मैं मेरे पीछे कुछ युवा लोग हैं और मैं उनसे बात करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। आप लोगों ने मतदान किया किस मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पे, हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी ने जो कर दिया है जिले के लिए, आने वाले भविष्य में कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन पिछले 5 सालों में अफजाल जी सांसद रहे हैं, उनका कार्य जो शैली है कुछ नहीं रहा है, और बस इसी मुद्दे पे हम लोगों ने। आपका नाम क्या है? जय सिका जी। आप आए सुबह में, आप आए थे, आपका नाम क्या है? दिव्यांशु सिंह, और मैं विकास के मुद्दे पे वोट किया हूँ। प्रिया, विकास के लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और पीछे आप देखिए तो यहाँ पे महिलाएं भी खड़ी हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। और गाजीपुर की रिया मैं बात बताऊं तो ये गाजीपुर जिले की पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट है गाजीपुर, और सीधा मुकाबला है, और या लहरी काशी इसे कहा जाता है। लोग यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बगल में ही, जो कि माननीय जो कि भावी प्रधानमंत्री हैं, और इसके बाद रिया अगर मैं कहूँ कि ये हॉट सीट बनी है, यहाँ पे बसपा सपा और भाजपा का सीधा मुकाबला है। बिल्कुल, यहाँ पर गाजीपुर में अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को यहाँ पर मौका दिया, पारसनाथ राय। किस स्थिति में अगर बात करें तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनती हुई, कितनी मजबूत स्थिति या कितनी कमजोर स्थिति, और आपसे समीकरण भी समझना चाहेंगे। रिया सही कहा आपने, लेकिन रिया गाजीपुर जिले की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अंतिम फेज में चुनाव था, बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने यहाँ पर आके राजनीतिक पारे को पूरी तरीके से बढ़ा दिया। रिया जी मैं आपको बताना चाहूंगा, गाजीपुर जिले का एक आरटीआई मैदान है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और वहाँ पे भारी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। उसके बाद बुलडोजर बाबा आए थे और बुलडोजर बाबा ने रिया 3 दिन लगातार गाजीपुर जिले में रैलियां की। उसके बाद डिप्टी सीएम का आगमन था, अखिलेश यादव भी यहाँ पर आए थे, बहुत सारी बातें की गई, मुख्तार अंसारी की बात की गई, मुख्तार अंसारी शहीद के नारे लगे। तो एक बड़ा सवाल है गाजीपुर के की जनता के लिए कि किसको चुनती है। आपने रिया बात की पारसनाथ राय की, तो वो एक पेशे से अध्यापक हैं और संघ से वो जुड़े रहे हैं, मनोज सिन्हा जी के सबसे करीबी कहे जाते हैं। तो बड़ा मुकाबला है, सीधा मुकाबला है, और सुबह से ही लोगों की सुशील, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से एक नए चेहरे को मौका दिया गया पारसनाथ राय, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी गाजीपुर के जो मौजूदा सांसद है अफजाल अंसारी को उन्होंने जो है फिर से चुनावी रण में उतारा है, वहीं बसपा की बात करें उमेश सिंह यहां से चुनावी रण में है। क्या समीकरण आप बनते हुए देख पा रहे हैं, और बीएसपी की बात करें तो वो यहां पर कितनी टफ फाइट देते हुए समाजवादी पार्टी और बीजेपी को, क्योंकि बार बार अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि बीएसपी को जनता वोट ना दे क्योंकि उनका वोट बर्बाद हो जाएगा, यानी साफ तौर पर बीएसपी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने यही कहा कि बीएसपी कोई फाइट इस चुनाव में दे नहीं रही है। रिया लेकिन गाजीपुर जिले की मैं बात करूं तो यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने बसपा से गठबंधन किया था, और जब दिल मिले तो भारी वोट बैंक वहां पर सपा को मिला था। लेकिन इस बार का रिया अगर मैं कहूं जो वोट बैंक है वो निश्चित ही खसकने वाला है, और बड़ा ट्रम्प कार्ड है ये बसपा के लिए। और बसपा के जो वोटर हैं रिया, डॉक्टर उमेश सिंह जो कि बीएचयू के वो महामंत्री रहे, पेशे से एक वकील भी हैं, तो बड़ी फाइट है रिया। मगर सबसे बड़ी बात है अफजाल अंसारी के लिए, जो वोट बैंक इससे पहले उनको मिला था, इस बार वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। इंडिया वाइज के कैमरे पे ग्राउंड जीरो से जब हम लोग गए थे तो लोग गए थे, लेकिन सबसे बड़ी रिया जी में अगर मैं बात बताऊं तो भारत के गृह मंत्री गाजीपुर जिले में जब उनका रोड शो था, अमित शाह जी आए थे, तो भारी जन सैलाब वहां पर मौजूद था। और उस रोड शो के बाद गाजीपुर की राजनीतिक पारे की बात करूं तो पूरी तरीके से बढ़ चुका है, और वो जोर शोर से रिया जी यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं, और गाजीपुर जिले में सीधा मुकाबला अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय से। बिल्कुल, क्योंकि पूर्वांचल का केंद्र भी गाजीपुर को कहा जा सकता है, सभी की नजरें गाजीपुर पे है क्योंकि यहाँ पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनावी रण में आऊंगे आपके पास। एक बार गोरखपुर लिए चलते हैं दर्शकों को, अवनीश मणि त्रिपाठी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अवनीश, बात गोरखपुर की तो एक तरफ यहाँ पर रवि किशन जो की मौजूदा सांसद है, दूसरी तरफ काजल निषाद यहाँ पर। गोरखपुर की बात करें, मुस्लिम यादव और जो निषाद वोटर्स हैं वो यहाँ का पूरा समीकरण जो है सेट करते हैं, किस तरह किसके पाले में आप इन वोटर्स को जाते हुए देख पा रहे हैं? जी अगर हम बात करें 2-3 दिन पहले की काजल निषाद की बात करें तो जितने निषाद समुदाय के लोग थे लगभग काजल निषाद के खेमे में
जाते नजर आ रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा, गोरखपुर में रैलियां निकली, उसके बाद निषाद समुदाय के लोग जो है परिवर्तित होते जो है मोदी मैजिक में जाते नजर आ रहे थे। और देर रात आपने देखा कि काजल निषाद भावुक होकर के अपना एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी डाली और अपने निषाद समुदाय के लोगों से उन्होंने अपील भी की, क्योंकि गोरखपुर की सीट तय करते हैं निषाद। बिल्कुल वही चीज हम भी बात कर रहे थे कि जो निषाद वोटर्स है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं किसी भी प्रत्याशी को जीत दर्ज कराने में। ऐसे में रवि किशन के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर उतरे, रोड शोज किए, जनसभाएं की। और गोरखपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि ये रही है, राजनीतिक पारी की उन्होंने यहाँ से शुरुआत की और एक लंबा समय गोरखपुर में बिताया है। ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण गोरखपुर सीट। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि निषादों को कन्वर्ट करने के लिए रवि किशन सांसद जो है रवि किशन शुक्ला से रवि किशन निषाद बनते नजर भी आ रहे थे। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान अपने आप को रवि किशन निषाद भी शामिल किया। साथ ही अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में सबसे बड़ी बात ये रही कि गोरखपुर में एक श्याम वृद्ध आश्रम है जहाँ पे लगभग सैकड़ों वृद्ध वोट नहीं डाल पाएंगे, जो वो वोट डालने की अपेक्षा रखते हैं उनको जो है इस मतदान से दूर रखा गया, कहीं ना कहीं से जिले और जिला प्रशासन की बड़ी कमी भी थी। अवनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से गोरखपुर जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, बीजेपी कभी भी यहाँ से कोई चुनाव हारी नहीं है, ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण गोरखपुर सीट। नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी कभी यहाँ से चुनाव नहीं आ रही है। पिछली बार जो है जब उपेंद्र शुक्ला चुनाव लड़े थे तो बीजेपी से ही चुनाव लड़े थे, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उसके बाद जो उसी सीट पे उपेंद्र शुक्ला चुनाव लड़े और बीजेपी से चुनाव हारे थे, क्योंकि सपा से जो है चुनाव जो है संजय निषाद के लड़के जो है चुनाव यहाँ से भारी मतों से सपा से चुनाव जीते भी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। एक बार महंत जी भी चुनाव गोरखपुर से हार चुके। अच्छा, यानी गोरखपुर का रण भी यहाँ पर काफी रोचक, क्योंकि एक तरफ रवि किशन और दूसरी तरफ काजल निषाद। यहाँ पर बीएसपी का कितना बड़ा फैक्टर आप देख पा रहे हैं, क्या फाइट यहाँ पर बीएसपी दे रही है? बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी जो है लोगों के बीच जो सरगर्मी बनी है वो लोग कह रहे हैं बीजेपी की है, डी पार्टी है, इसलिए अभी बीएसपी का कुछ खास काम है, क्योंकि जो बीएसपी से पदाधिकारी चुनाव लड़ रहा है कई विवादित मामले में वो गोरखपुर से जो है संलिप्त भी रहा है। वहीं अगर हम बात करें बांसगांव की, तो डॉक्टर राम समूद जी जो है पहली बार बीएसपी से चुनाव लड़ने आए हैं, जिनको लोगों ने अभी तक धरातल पर कभी देखा ही नहीं, तो ऐसे ऐसे वोटर यहाँ प्रत्याशी उतारे गए हैं बीएसपी के हेलीकॉप्टर वाले, जिनको लोग जानते ही नहीं है, तो वोट क्या करें। और रवि किशन के लिए भी कई बार समाजवादी पार्टी की तरफ से यही कहा जाता है कि बाहरी है, ऐसे में कितना आप जन सैलाब रवि किशन के साथ देख पा रहे हैं? रवि किशन जी जो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरी साख मुख्यमंत्री की लगी हुई है। रवि किशन तो एक समझ लीजिए कि दमी पेज, यानी महज एक चेहरा और पूरी मेहनत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। लेकिन अगर मौजूदा सांसद के काम की बात करें, जनता कितनी संतुष्ट रवि किशन के काम से? रवि किशन जी कहते हैं कि सारा काम मुख्यमंत्री महोदय करा ही रहे हैं, मैं क्या करूं, और अगर उनसे कोई सवाल किया जाए तो क्यों हर हर महादेव के नारे वो लगाते हैं, जनता के बीच सेल्फी फोटो खिंचाते हैं, लेकिन वहीं जो अगर धरातल पर रवि किशन के काम की बात करें तो शून्य है, क्योंकि सारा काम मुख्यमंत्री महोदय का है और इसलिए मुख्यमंत्री महोदय वहां से चुनाव लड़ा तो मुख्यमंत्री महोदय का ही काम है, क्योंकि रवि किशन जी के काम के बारे में लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। ठीक है अवनीश, आऊंगी आपके पास, एक बार कमलेश का भी रुख कर लेते हैं। कमलेश, अगर बात करें मिर्जापुर की, जैसा आपने अभी कुछ देर पहले हमें समीकरण मिर्जापुर का समझाया, अब अगर बात करें मौजूदा सांसद के काम की, जनता कितनी संतुष्ट नजर आई, और अब की बार अगर जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुनती है तो उसकी वजह क्या, या अपना दल एस को यहां पर से चुनती है तो उसकी वजह क्या माने? देखिए, 10 सालों से यहाँ की सांसद अनुप्रिया पटेल है, इनके कार्यकाल से जनता यहाँ की बहुत खुश है और जनता से रुझान जो मिल रहा है जो भी मतदान इनका जो चुनाव निशान है उनको ही जाएगा, और यहाँ पर रुझान जो हमें देखने को मिला, हमने जो लोगों से जो बात करी है उन्होंने पहला बताया कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, यानी कि सांसद अनुप्रिया पटेल को। अभी हमारे हमारी बगल में सांसद अनुप्रिया पटेल इस समय मौजूद है, अभी थोड़ी ही समय में हम उनसे भी जानेंगे, क्योंकि अभी एक लोग राइट दे रही है, और यही बता दें कि यहाँ का यहाँ की जनता इतनी खुश है, आज यहाँ पर जो है की सांसद खुद आकर मतदान किया है, और यही जो जनता इनको देखने के लिए कितना उत्सुक है कि मतलब कि इतना अच्छे तरीके से इनका मतदान सभी लोगों को शुरू हो गया, अपनी अपनी बारी से लोग यहाँ लाइन पर लग के
मतदान करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, आऊंगी आपके पास। करुणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलिया से, सीधे बलिया का रुख कर लेते हैं। करुणेश, अगर बात करें आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है और क्योंकि मतदान शुरू हुए है आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, कैसी हलचल देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस समय मैं बलिया जनपद के डिग्री कॉलेज के फील्ड में परिसर में मैं मौजूद हूं, जहां पे आदर्श मतदान केंद्र बना हुआ है। और यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पे जो है कुछ लोग आकर के और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और वैसे अभी तो बहुत काफी लोगों की भीड़ नहीं है, अधिक संख्या में लोग नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बात करें बलिया की, क्योंकि यहाँ बलिया सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि जो मौजूदा सांसद थे वीरेंद्र सिंह, उनका टिकट काटकर बीजेपी ने यहाँ से चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को चुनावी मैदान में अब की बार उतारा है। वहीं उनके सामने दावेदारी पेश कर रहे सनातन पांडे, क्या समीकरण आप बनते हुए देख पा रहे हैं? जी, अगर मैं बात करूं बलिया की तो निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं नीरज शेखर और जो इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं सनातन पांडे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों लोगों में बहुत कांटे की लड़ाई है। यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि किसकी सीट निकलेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज है कि जो ब्राह्मण मतदाता है उनकी निर्णायक भूमिका होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राह्मण मतदाता है अगर इंडिया गठबंधन सनातन पांडे की तरफ जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा भी हो सकता है। लेकिन अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि जो ब्राह्मण मतदाता है ये कितने समाजवादी पार्टी के जो सनातन पांडे हैं उनसे वोट कर पाती है या फिर विकास या बीजेपी के नाम पे बीजेपी को वोट करती है। करुणेश, जिस तरह से आपने कहा ब्राह्मण वोटर्स काफी निर्णायक होंगे बलिया में, एक तरफ जिस तरह से नीरज शेखर चुनावी रण में, दूसरी तरफ सनातन पांडे, और अगर बसपा की बात करें ललन सिंह यादव को उन्होंने चुनावी रण में यहाँ पर उतारा है, बीएसपी यहाँ पर किसका खेल बिगाड़ती हुई या बनाती हुई दिख रही है? देखिए, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो यहाँ पे जो बीएसपी के भी मतदाता है वोटर है वो भी काफी संख्या में है, उनकी संख्या यहाँ पे लगभग 15% है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ललन सिंह यादव को बीएसपी ने टिकट दे करके कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने की अगर बात कही जाए तो साफ तौर पर देखा जा सकता है। यानी पूरी तरह से यहाँ पे तैयारियां पूरी हैं हर किसी की। आपसे ये भी जानना चाहेंगे करुणेश, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरह से हलचल लोगों के बीच, क्योंकि इससे पहले जो हमने चरण देखे उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ रहा सभी मतदान प्रतिशतों में, यूपी के मतदान प्रतिशत जो था सबसे कम था, अब की बार क्या उम्मीद जनता से? आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो मतलब इस समय मतदान का जो प्रतिशत है वो तो अभी इस तरह से नहीं दिख रहा है कि जो भी लोगों में बहुत बड़ा वो हो किसा हो, क्योंकि अभी आधे घंटे से ऊपर निकल चुके हैं। लेकिन अगर आपको रोक रही हूँ करुणेश, एक बड़ी खबर बता दें, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट किया, मतदान के बाद जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया, तो ये बड़ी खबर। आज अंतिम चरण का चुनाव है ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा, यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है, देश में बीजेपी को भारी समर्थन मिल रहा है। तो यानी अपना वोट कास्ट करने के बाद लोगों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साफ तौर पर कहा कि 4 जून को जो नतीजा आएगा वो बीजेपी के पक्ष में आएगा। ये तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि गोरखपुर से उनका रिश्ता है काफी गहरा, ऐसे में गोरखपुर पहुंचे और उन्होंने अपना वोट यहां पर कास्ट किया है, मतदान किया और मतदान करने के बाद जनता के बीच पहुंचे और लोगों को संदेश यहां पर उन्होंने दिया और साफ तौर पर कहा कि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना रही है। लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2 महीने 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए
जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावर्सगंज, ये सभी सीट्स हैं, इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को, 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है। यह एक सुखद अनुभूति उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिलना है। अभी प्रातः काल मौसम बहुत सुहावना है, इस सुहावने मौसम का आनंद लेकर के मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमें अब जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है,
यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके, जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, यह आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इस चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है, भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए, भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा। महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया हमारा जी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर बावजूद इससे भी कुछ मतदान कम भी हुआ। देखिए, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर आप में से आप भी जानते हैं कि 50 डिग्री 48 डिग्री का टेम्परेचर कभी हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन है, प्रकृति परीक्षा ले रही है और प्रकृति की इस परीक्षा में हम सबको खरा उतरना होगा। जनता जनार्दन को अपने आप को साबित करना होगा कि अग्नि परीक्षा के इस दौर में हम लोकतंत्र को और पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे और स्वाभाविक रूप से आधी आबादी नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की पहली संसद में मोदी जी ने पास किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम और बेटियों की सुरक्षा से लेकर के समृद्धि तक के जो कार्यक्रम चले हैं, आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ में है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये जो मत प्रतिशत आधी आबादी का महिलाओं का खासतौर पर बढ़ा है, यह 100% मोदी जी के पक्ष में गया है। हाँ, मैं युवा मतदाताओं से कहूंगा कि नया भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त है, सम्मान प्राप्त कर रहा है, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल जिसने दुनिया के अंदर बनाया है, यह उनके उज्जवल भविष्य के लिए है। मोदी जी की इस परिकल्पना में उन्हें आगे आकर के बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। जो लोग अपनी हार से पस्त होकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके बहकावे में ना आए, मतदान करें, उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल भारत, आत्मनिर्भर भारत में ही हम सबका भविष्य है, युवाओं का, अन्नदाता किसानों का, महिलाओं का,
समाज के प्रत्येक व्यक्ति का। और मोदी जी ने तो चार जातियां देश के अंदर कही, उन्होंने कहा देश के अंदर केवल चार ही जाति है, उसमें से एक युवा है, एक महिला है, एक गरीब है, एक अन्नदाता है। इन चार वर्ग को प्रतिनिधित्व करने के लिए मोदी जी ने देश के अंदर जो कार्य किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन उनको अपना पूरा आशीर्वाद दे। मंत्री जी, आज आईएसटीआई जो अलायंस है आज वो एक रिव्यू मीटिंग कर रहा है, रिजल्ट्स आने से पहले ही आज पूरे दल बैठेंगे और साझा बातचीत, ये वे अंतिम बार बैठेंगे, क्योंकि चार के बाद ये जितने दल हैं उतने उसमें फाड़ होने वाले हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। अच्छा है उससे पहले एक बार ठंडाई पी ले जिससे गाली गलोच कम हो। महाराज जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि वोटर जो है सतर्क रहे, धांधली का आरोप लगाया। देखिए, दोषारोपण किसी पे तो करना ही है, जिनको प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वोट जो है कैंडिडेट नहीं मिले तो आज किसी पे तो लगाना था। ईवीएम पे वो, यानी ईवीएम पे दोषारोपण करते करते थक चुके हैं, अब वह इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। अरे यही प्रदेश है, लोकतंत्र का ऐसा माहौल मत उड़ाओ, यही प्रदेश है। कौन नहीं जानता है कि इनका लोकतंत्र में कोई निष्ठा नहीं है, ये हल्ला बोल के माध्यम से अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। माफिया सरगनाओं को, अराजक तत्वों को और आतंकवादियों को अपने गले का हार बनाने वाले लोग हैं और ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, बड़ी हास्यास्पद बातें होती है। चुनाव निष्पक्ष है, भारत निर्वाचन आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ इलेक्शन करवा रहा है और इलेक्शन पूरी व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चल रही है, प्रदेश में भी चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग जहां पे कहीं भी कोई शिकायत मिलती है त्वरित एक्शन लेकर के कार्रवाई भी करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की चूंकि लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके द्वारा बनाए गए संविधान का हमेशा इन्होंने अपमान किया है। दुर्दांत माफिया और आतंकवादियों को सागृद वाले लोग इनसे लोकतंत्र की बात, इनके मुंह से ईमानदारी की बात, इनके मुंह से कोई कार्य सुचितापूर्ण तरीके से हो जाए ये बहुत हास्यास्पद लगती है और इसलिए जैसी करनी वैसी करनी। धन्यवाद। अपना वोट गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कास्ट किया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपना वोट कास्ट करने के बाद जनता के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साफ और स्पष्ट शब्दों में जीत का दम भी भर दिया। तो लगातार वोटिंग को लेकर कवरेज लगातार जारी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज अपना वोट कास्ट किया, मतदान किया और मतदान के बाद जनता से यही अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकले, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने और अपनी सरकार चुनने में सहयोग करें। तो किस तरह से ग्राउंड पर स्थिति है ये जानने के लिए सीधे एक बार करुणेश का रुख कर लेते हैं, बलिया से हमारे साथ बने हुए हैं करुणेश, क्योंकि अब लगभग एक घंटे के लायक समय बीतने वाला है और आपसे यही जानना चाहेंगे कैसी हलचल अब देख पा रहे हैं। बता दो बिल्कुल कि अभी तो थोड़ी सी संख्या बढ़ रही है मतदाताओं की, अब घर से लोग निकल रहे हैं और आगे के बूथ से अपना मतदान कर रहे हैं, जहां पे
अब ये देखने से लग रहा है कि मतदाताओं में कुछ उत्साह है वो अपने मतदान को लेकर के, और वो सीधे बूथ पर आ रहे हैं और मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। करुणेश, इससे पहले जितने चरण अभी बीते यूपी में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा, क्या माने अब की बार क्या बता रहा है आपको, किस तरह से आप स्थिति देख पा रहे हैं अब की बार, क्या वोटिंग परसेंटेज 60% से ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौसम भी एक फैक्टर हमेशा रहता है। देखिए मौसम तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए तो 60% के आसपास मतदान यहाँ पे जाएगा, ये निश्चित मान के चलिए, क्योंकि अभी जो मौसम भी अनुकूल है उसके हिसाब से जो मतदाता है वो बाहर निकल रहे हैं और उनके अंदर उत्साह अभी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि कम से कम 60% जो है वोटिंग के आसपास यहाँ होनी है। बिल्कुल, यानी अंतिम और आखिरी चरण, और अंतिम चरण के रण में कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर्स अपने घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। एक बार पवन का रुख कर लेते हैं, पवन चंदौली से हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, अगर बात करें चंदौली की, कैसी स्थिति, कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं और किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है, क्योंकि लगभग एक घंटे के बराबर का समय यहाँ पर बीत चुका है, कैसी हलचल? आपको बता दूं कि चंदौली स्थित मैं एक सकलिया स्थित सकलिया इंटर कॉलेज के एक बूथ पर हूँ, जहाँ पे एक बूथ पे तो मतदान स्टार्ट हो गया है, बकिया बूथ संख्या 276 पे अभी तक मतदान स्टार्ट नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर का ये गृह जनपद है और यहाँ बूथ संख्या 276 पे मौजूद। लेकिन वजह क्या पवन, आखिर क्यों मतदान शुरू नहीं हो पाया? वोटिंग मशीन की खराबी आने के कारण मतदान शुरू अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि सूचना पाकर के सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो मौके पे पहुंचे हैं और मशीन जो टेक्नीशियन है वो भी मौके पे हैं और मशीन बनाने में जुटे हुए हैं। जी ठीक है पवन, आऊंगे आपके पास, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उसके बाद मोहम्मद आसिफ, आप भी बने रहिएगा, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।